सर आपका नेम और डेजिग्नेशन बता दीजिए। मैं एडवोकेट डी के शर्मा नाम है मेरा और हम मैं एडवोकेट हूँ जी। सर ये जो सनी को पकड़ा गया आप उसका केस लड़ रहे हो, क्या मतलब क्या एविडेंसेस आ रहे हैं सामने या कुछ निकल के आ रहा है? सर अभी तो फैमिली ने हमें चेज किया है कि हमें इन्होंने हायर किया है, तो अभी एफआईआर की कॉपी भी आई है। हमने काफ़ी फैमिली से पूछने की कोशिश की है और हम ट्राई भी कर रहे हैं कि अभी एक्यूज को भी मिले जो मेरा क्लाइंट है। तो इसमें लगता नहीं कि इसका कोई कसूर है, जिस तरह से पूरी बैकग्राउंड मैंने पूछी है, बिकॉज ये लड़का 9th पास है और 9th पास और ये गाँव में सेब सूब का काम करता है। तो हाँ इतना जरूर उन्होंने बताया कि 3 साल पहले ये लोग कोई बेकरी में ये लड़का काम करता था, वहाँ ये लड़की कोई केक वगैरह के लिए आती होती थी उधर, बट बाद में फिर इसने बोलते इसका नंबर ब्लॉक लिस्टेड पे डाल दिया था और कई दिनों से ब्लॉक किया हुआ था इसका नंबर। ये लड़की फिर दाएँ बाएँ से इस लड़के को कोई मैसेज करने की कोशिश करते थे कि भाई मेरे से बात करे, पर ये लड़का खुद इससे बात करने का इंटरेस्टेड नहीं था। इसने क्या किया, इस लड़की ने कुछ दिन पहले इसके छोटे भाई को भी मैसेज बोला कि इसे मेरी बात कराओ, ये वो कराओ। इस छोटे भाई ने भी इसको बोला कि मैं बात नहीं करा सकता, उसने भी उसका फ़ोन ब्लॉक कर दिया कि ये तो ऐसा ऐसा। इसका मेरे को लगता नहीं कि मेरे क्लाइंट का कोई इसमें अभी दोष है, पर अभी दिस अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन और वो इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू है, अभी देखते हैं क्या सामने आता है, चलान आएगा बीच में, फिर देखते हैं क्या उसमें आता है। सर जो एक दूसरा रंजन वर्मा है उसके साथ भी कुछ लग रहा है कनेक्शन? नहीं, जो रंजन वर्मा के साथ जैसे फैमिली ने मेरे को बताया, अभी तक हमें ज़्यादा हिस्ट्री वास्तव तो नहीं पता, पर जैसे फैमिली ने पूरी हिस्ट्री बताई कि रंजन वर्मा के इन्होंने नाम ही नहीं सुना है। हाँ वो बिलोंग रोडू से जरूर करता है, बट इसके साथ इनका कोई कंसर्न है नहीं। क्या नाम है आपका? दीपा सर। जो ये सनी है पकड़ा गया आपका क्या लगता है? भाई है सर। क्या बात क्या हुई थी? सर पहली बात तो ये जो भी केस हुआ है उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है और उसको इस केस में झूठा ही फंसाया जा रहा है। ठीक है, उसने तो मतलब जो ये कहा गया था कि भाई वो बीए कर रहा है, एमए कर रहा है, कुछ कर रहा है शिमला में, मतलब वो तो 9th से आगे कभी पढ़ा भी नहीं है, उसने 9th से ही स्टडी छोड़ दी थी सर। और गाँव में ही रहता था, वहीं पर दिहाड़ी मजदूरी का काम ही करता था वो। जो ये एलिगेशन है मतलब कि जो स्माइली नाम लड़की है जो उसके द्वारा लगाया गया है एमएमएस फैलाने का, वो भी बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि काफ़ी समय से मेरा भाई उस लड़की के कांटेक्ट में नहीं था, कम से कम 3 साल हो गए सर। तो मेरा भाई, और ये भी है कि मेरा भाई कभी हिमाचल से बाहर नहीं निकला है सर, पंजाब तो दूर की बात है, हमें बस बाकी कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए बस मेरे भाई के लिए। बाकी जिसने भी ये काम किया है ये एमएमएस वाला, बस उनको पकड़ो और उनको सजा दो बस। नहीं, बार बार ये लोग बोल रहे हैं भी इसका मेन ये बॉयफ्रेंड था या कुछ ऐसे था? नहीं था सर, कुछ नहीं था। कभी घर में इसका जिक्र हुआ? नहीं सर, कोई जिक्र नहीं हुआ। कभी आपसे मिला हो कुछ घर में मात्र के कोई बातचीत हुई हो कि स्माइली के बारे में? नहीं सर, कभी नहीं हुई। आपका क्या लगता है? बेटा सर, इसको पकड़ा गया है, आपसे कभी कोई बात हुई स्माइली के बारे में? नहीं सर। अभी क्या चाहते हो? इंसाफ चाहते सर। नहीं, आपको क्या लगता है आपके बेटे ने कुछ किया होगा या कुछ ऐसे? नहीं सर, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया।